ऑपरेशन गंगा के तहत तेजी से बच्चों को भारत लाने का काम किया जा रहा है और अभी जो फ्लाइट दिल्ली यहां पर पहुंची है उसमें हिमाचल प्रदेश के कुल 4 विद्यार्थी शामिल हैं, उसमें से एक छात्रा भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहां से हैं? मेरा नाम कोमल कुमारी है, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट उन्ना रहने वाली हूं। आप यूक्रेन में कौन सी सिटी में थी, सबसे पहले आप ये बताइए। मैं यूक्रेन में इवानो फ्रैंकविस्ट में थी, मैं थर्ड ईयर में हूँ, मेडिकल स्टूडेंट। अभी कैसी स्थिति वहाँ पर है और अभी आपको भारत आकर कैसा महसूस हो रहा है? भारत आके तो बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ सिचुएशन मान लो कि बहुत बुरी है कह सकते हैं, क्योंकि अभी मतलब अलग अलग बॉर्डर जैसे खोल रखे हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो हमारे इवानों के लिए रोमानिया बॉर्डर खोल रखा था, तो मैक्सिमम जो इवानों के स्टूडेंट हैं वो सारे रोमानिया में ही हैं, तो अभी थोड़ी देर के लिए बॉर्डर खुल रहा है तो वही बच्चे आ जा पा रहे हैं, तो बहुत भीड़ है वहाँ। ज़्यादा खुशी किस चीज़ की, यूक्रेन छोड़ने की या भारत आने की? भारत आने की, यूक्रेन में भी हाँ है कि रुक जाना चाहिए जो भी है, क्योंकि वहाँ भी कई लोग हैं, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तस्वीरें तो सभी हम लोग टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन आपने वहाँ पर वॉर की सिचुएशन देखी, आप क्या मानते हो कि इस तरह की सिचुएशन जिस तरह से वहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, आम लोगों को कितनी परेशानी इस वॉर की सिचुएशन में होती है? आम लोग, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब हम अपना फ्लैट छोड़ रहे थे तो जो हमारे पास सामान था वो हमने साथ वाली को दिया, तो वो हमें गले लगा के रोने लगी। वहाँ लोग भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि उन्हें अपना, हम तो चलो फिर भी अपने घर आ रहे हैं, उन्हें तो अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, तो यही है, लोग भी बहुत दुखी हैं, वो भी यही। हमारे टीचर्स, हमारी क्लासेस अब 12 मार्च के लिए कोई स्टडी नहीं है, सब बंद है। कोमल, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, भारत सरकार का कितना सहयोग वहाँ पर मिल रहा है और कैसे मानते हैं भारत सरकार के काम को आप? बहुत सहयोग मिल रहा है, थैंक यू, मैं तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि हम यहाँ सेफली पहुँच गए और यहाँ भी आके सर ने मतलब पिक किया हमें, हिमाचल सरकार, हाँ जी हिमाचल सरकार ने, तो बहुत अच्छा लगा। इंडियन एम्बेसी का बहुत बहुत थैंक यू और मोदी सरकार का बहुत बहुत थैंक यू। वापस जाएंगी देवभूमि हिमाचल, एक वॉर की भूमि से अब देवभूमि की ओर जाएंगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ घर वालों को मिलने के लिए, क्योंकि वो बहुत परेशान है, उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, कभी नेटवर्क था बॉर्डर पे जैसे था, तो अभी मिलने की खुशी तो है ही। डिजिटल युग है, क्या घर वालों से वहाँ से वीडियो कॉल के थ्रू बात हुई थी, आपने उनको सिचुएशन दिखाई थी वहाँ पर, क्या स्थिति है अभी यूक्रेन में? हाँ बताया तो था, बट फिर हम इसलिए भी नहीं बताते कि वो ज़्यादा डर जाते हैं, बाकी न्यूज़ पे तो देखते ही हैं वो सब कुछ। उससे पहले बात यानी कि घर वालों से हो रही थी आपकी? कंटिन्यूसली बात होती है घर में तो। अभी जब आप पहुंची तो क्या आपने घर पर बता दिया कि आप पहुंच गई वापस सुरक्षित? हाँ मैंने यहाँ दिल्ली पहुंच के फ़ोन किया कि मैं पहुंच गई हूँ, और वो बोल रहे थे कि यहाँ से कैसे होगा, तो मैंने बोला कि यहाँ सर हैं, उन्होंने हमें ले लिया है, तो अभी वो खुद ही पहुँचाएंगे, लाइक बस उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है तो हम उसमें जाएंगे। कैसा रिएक्शन है घर वालों का जब आपने उनको बताया कि आप लौट गई वापस? बहुत खुश है घर वाले, क्योंकि उन्हें भी टेंशन थी कि पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ, तो अभी तो बहुत खुश है, अभी वेट कर रहे हैं कि कब जाऊँ घर, कब पहुँचूँ। तो कोमल के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी नजर आ रही है, और हमारे साथ यहाँ पर प्रोटोकॉल अधिकारी एसएस चौहान मौजूद हैं, जो हिमाचल प्रदेश एसएस कुमार मौजूद हैं, जो हिमाचल प्रदेश के बच्चों को यहाँ पर लेने आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आपको प्रोटोकॉल अधिकारी तैनात किया गया है, हिमाचल के बच्चे आ रहे हैं, किस तरह से हिमाचल सरकार उन्हें घर पहुँचाने का काम कर रही है? सर ऐसा है, अभी तक मैं पूरी डिटेल्स में आपको बता दूंगा, अभी तक टोटल 4 फ्लाइट जो है वो यहाँ पर पहुंची है, जिसमें 3 फ्लाइट जो डायरेक्ट दिल्ली में लैंड की थी और 1 फ्लाइट जो पिछले कल बम्बे में लैंड की थी, जिसे हमारे 13 पैसेंजर यानी स्टूडेंट्स थे, जिनको आज सुबह लाया गया था एक डोमेस्टिक फ्लाइट के थ्रू दिल्ली में। तो अभी तक टोटल जो हमारे 39 जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से आ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स इधर आ गए, इनके एक रजिस्ट्रेशन हम कर लेते हैं, साथ में और व्हीकल्स हैं, लाइट व्हीकल्स एज़ पर रिक्वायरमेंट, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 2 में काम चल रहा है, इनको ले जाते हैं हिमाचल भवन। या अगर टाइम लंच का है तो लंच, डिनर है तो डिनर का, या ब्रेकफास्ट का टाइम है तो ब्रेकफास्ट उनको करा करके उनको रूम भी तो लोड करते हैं जहाँ अपना फ्रेश हो सकते हो। उसके बाद हमारा जो HRTC है हिमाचल रोडवेज, उन्होंने इनको फ्री बसें लगाई हुई हैं इनके नेटिव प्लेस तक पहुंचाने के लिए। तो फिर हिमाचल भवन से हम उनसे टाइप करके अपना HRTC में ISBT में कि अपनी गाड़ियों के जरिए हम इनको ISBT में छोड़ देते हैं। तो अभी जो 39 बच्चे हैं, अभी जो फ्लाइट आई इसमें 4 बच्चे आए हैं, इसके अलावा 35 बच्चे पहले आ चुके हैं, जो 35 अपने घर जा चुके हैं अभी तक। अब ये जो कोमल आई हैं, इनको भी हम रात को 10 बजे की बस है उसमें हमने टाइप कर दिया है, ये सीधी उन्ना जाएंगी इधर से। सरकार की ओर से कैसा सहयोग वहाँ से मिल रहा है आपको? जो सरकार का सहयोग है इसलिए हम काम कर पा रहे हैं, हमारे रेजिडेंट कमिश्नर साहब हैं श्री सुशील कुमार सिंगला जी, डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर है पंकज शर्मा जी, उनकी गाइडलाइन के अंडर हम काम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से पूरा सहयोग है हमारे को। और हम तो खुद ही इतने ज़्यादा संवेदनशील है, तो मुख्यमंत्री से क्या को गाइडलाइंस है कि बच्चों को किस तरह का जो है यहाँ पर ट्रीट करना है? उनको बिल्कुल जैसे बच्चे होते बच्चे की तरह करना है, तो पूरे डॉक्टर है, देखो ये है ना, डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं सभी, पर हमारी तो बच्चे ही है, और बच्चों की तरह को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा हम इनकी हेल्प कर सकते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार आप फिर बार देख ले कि कोमल के चेहरे पर किस तरह की खुशी आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, और ये खुशी है वतन वापसी की, क्योंकि अब ये वॉर भूमि से
वीरभूमि और देवभूमि हिमाचल लौटेंगे और हिमाचल प्रदेश लौटकर जो सुकून इनके चेहरे पर नजर आएगा, न केवल इनके चेहरे पर बल्कि इनके माता पिता के चेहरे पर, वो निश्चित तौर पर देखने वाला होगा। और भारत सरकार की ओर से बच्चों को स्वदेश लाने का काम तेजी से चलाया जा रहा है ऑपरेशन गंगा के तहत, ताकि कोई भी बच्चा यूक्रेन में फंसा ना रह जाए और भारत आए, सुरक्षित आए। कैमरा पर्सन चंचल के साथ अंकुश डोभाल, जनता टीवी, दिल्ली।